आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ चीज से बनने वाले टेस्टी से नमक पारे। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत सॉफ्ट बनते हैं। आप इस तरह से एक बार नमक पारे बना के ज़रूर ट्राई करें। आई एम श्योर आपके यहाँ पे बच्चों को स्पेशली ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ लिया है एक कप मैदा। इसके अंदर हम डालेंगे 2 छोटे चम्मच बटर, ये रूम टेम्परेचर पर मैंने लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे चीज़ क्यूब्स। ये 2 क्यूब मैं यूज़ करूँगी। ये प्रोसेस्ड चीज़ है, वज़न से लगभग 30 से 40 ग्राम के करीब होगा ये। और अब इसके बाद इस तरह से बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे हम चीज़ क्यूब को, जिससे कि इसके अंदर कोई भी बड़े टुकड़े नहीं रहे। तो इसी तरह से हमने दोनों चीज़ क्यूब्स जो हैं वो ग्रेट कर ली हैं। तो मैं इस ग्रेटर में जितना भी चीज़ रह गया है लगा हुआ, उसको भी इस बोल में डाल लूँगी। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा, मीठा सोडा भी कहते हैं इसे। और इसे हमें डालना है चुटकी भर, यानी कि 1/8 टीस्पून। और अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये सब अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसके बाद हमें थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर मिल्क ऐड करना है। आप चाहें तो पानी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मिल्क से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें मिल्क ऐड करते जाना है। बहुत ज़्यादा मिल्क नहीं लगेगा, मुश्किल से 2 से 4 चम्मच मिल्क इसके अंदर आटा गूंदने में आपको लगेगा। और इसका जो डो है वो बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं रखना है, एकदम टाइट डो बना के तैयार करना है। तो ये देखिए बिल्कुल टाइट डो बनके रेडी है। अगर आप डो को जो है सॉफ्ट रखेंगे, अगर आप आटा सॉफ्ट रखेंगे तो इतने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनेंगे फ्राई करने के बाद। अब इसके बाद हम इसे ढक के 10 मिनट के लिए रख देंगे। और 10 मिनट के बाद ये आटा जो है बिल्कुल सेट हो चुका है। इसको हम एक बार इस तरह से फिर से स्मूथ कर लेंगे। और अब इसके बाद हमें इसके बनाने हैं नमक पारे। तो इसके लिए हम इसको एक लेंगे चॉपिंग बोर्ड के ऊपर, या फिर आप किसी भी प्लेन सरफेस के ऊपर ले लीजिए। और इसके हम करेंगे 2 हिस्से, और आप चाहें तो 3 हिस्से भी कर सकते हैं। और ये जो एक हिस्सा है इसको हम जिस तरह से रोटी के लिए बनाते हैं राउंड शेप, उस तरह से राउंड शेप दे देंगे। और अब इसके बाद इसे डस्ट करेंगे थोड़े से मैदे के साथ, और इसे हम बेलना शुरू करेंगे। और इसे हमें बिल्कुल पतला बेल के तैयार करना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको इसके अंदर पिज्ज़ा का फ्लेवर चाहिए थोड़ा बहुत, तो आप इसके अंदर पिज्ज़ा सीजनिंग भी डाल सकते हैं। जब हम डो बना रहे थे, यानी कि जब हम आटा गूंद रहे थे उस समय पे। तो ये देखिए बिल्कुल पतला मैंने इसको बेल के रेडी कर लिया है। अब इसके बाद मैं इसकी जो कॉर्नर्स हैं इनको हटा दूंगी, जिससे क्या होगा मेरे को स्क्वायर्स कट करने में बहुत ईजी रहेगा। तो इस तरह से मैंने ये जो कॉर्नर्स हैं वो हटा दिए हैं। अब इसके बाद हम इसके इस तरह से लंबी लाइंस खींच लेंगे। और आप, मैं इसके लिए पिज्ज़ा कटर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो चाकू से भी ये प्रोसेस कर सकते हैं, बस पिज्ज़ा कटर से ये थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो मैंने ये छोटे छोटे टुकड़े बना के तैयार कर लिए हैं। ये देखिए इस तरह से अब इनको चाकू की हेल्प से हल्के हाथों से हम इस चॉपिंग बोर्ड पे से छुड़ा लेंगे। तो ये हमारे बहुत ही टेस्टी से और बिल्कुल थिन चीज़ फ्लेवर के नमक पारे फ्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो अब इनको मैं क्या करूँगी, एक प्लेट में अलग रख दूँगी और मीडियम हॉट ऑयल में मीडियम फ्लेम पे हमें इन्हें फ्राई करना है। तो ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर ज़्यादा गर्म ऑयल होगा तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और ऑयल बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए, वरना ये बहुत हार्ड बनेंगे। तो मीडियम फ्लेम पे हमें इसको लगातार इसी तरह से चलाते हुए फ्राई कर लेना है। और ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो जाना चाहिए तब तक हम इसको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है हमें इसे। तो ये देखिए बिल्कुल गोल्डन कलर हो गया है इसका। अब इसके बाद मैं इसको ऑयल में से निकाल लूँगी। आप देखेंगे कि इसके अंदर बबल्स भी कम हो गए हैं। ये एक पहचान होती है कि जब कोई चीज़ फ्राई हो जाती है तो उसके अंदर से ज़्यादा बबल्स नहीं आते। तो हमारे ये टेस्टी से चीज़ वाले नमक पारे बनके रेडी हैं। और इसी तरह से मैं बाकी के जो नमक पारे हैं उन्हें भी इसी तरह से ऑयल में फ्राई कर लूँगी। तो तैयार है हमारे टेस्टी से चीज़ नमक पारे। अब आप इसको सर्व करें चाय के साथ या फिर प्लेन भी, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और आई एम श्योर ये बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें और हमें कॉमेंट्स में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अगली रेसिपी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी कुकिंग।